हाँ जी देखिए नमस्ते जी, और हम आपको उसमें दो कलर का डिज़ाइन बना के दिखाएंगे। देखिए मैंने इस पहले से ही उसमें रेड कलर को ऐड किया है और ये बॉर्डर बना रखा है। देखिए मैं 5 फंदे रेड कलर के इस तरह बनाऊंगी। ये मैंने 5 फंदे बना लिए, 1 2 3 4 5, एक फंदा स्लिप कर लिया है। फिर से 5 फंदे रेड कलर के बनाऊंगी। ठीक है, पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करनी है। 6 फंदों का डिज़ाइन है। 5 फंदे हम 5 फंदे रेड कलर के बनाएंगे और 1 फंदा स्लिप कर लेंगे, और ये हमारी पहली रो है। देखिए 5 फंदे 1 फंदा हमारा बच गया। हमने इसे इस तरह स्लिप करके रखना है और इसे हम ऊन को पिछली साइड में ले जाएंगे, और इन फंदों को भी हम जिस तरह हमने राइट साइड से बनाया था उसी तरह हम इन्हें बैक साइड से बनाएंगे। ये हमारी दूसरी रो है। हम अपनी साइड उनको ले कर आएंगे इस तरह, फिर उस फंदे को इस तरह ही स्लिप कर लेंगे, फिर से उधर की साइड लेके जाएंगे। फिर हमने इन फंदों को इस तरह बनाना है। और पूरी डो को हमने इसी तरह देखिए दूसरी रो है, और हमने इसे इस तरह बना के कंप्लीट किया है। अब हम आपको ये दूसरी रो कंप्लीट होगी और ये डिज़ाइन इस तरह, और अब हम आपको तीसरी रो दिखाएंगे। देखिए हमारी थर्ड रो है, इसमें हमने 2 फंदे वाइट कलर के पहले बना लिए, ये 3, और अब 1 फंदा हम स्लिप करेंगे इस तरह, 1 फंदे को बना लेंगे, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे, और अब यहाँ हम 3 फंदे वाइट कलर से बनाएंगे। 1 2 और 3, 3 फंदे बनाए, 1 फंदा हमने स्लिप किया, 1 फंदा बनाया, 1 फंदे को फिर स्लिप किया, और 3 फंदे फिर से बनाने हैं। ये हमारी थर्ड रो है। तीसरी सिलाई देखिए, ये हमें इसी तरह रो कंप्लीट करनी है। सॉरी, ये हमने 3 फंदे इस तरह स्लिप, 1 फंदा स्लिप करना है, वाइट कलर का बनाना है, और ये हमारे 3 ही फंदे बचे हुए हैं। ये 3 फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे, क्योंकि इसमें एक ही सिलाई के एक ही कलर दो एक ही कलर की 2 सिलाई बनती हैं, और ये हमारी 4 सिलाई है। देखिए इसे हमें बैक साइड से भी इसी तरह बनाना है जिस तरह हम राइट साइड से बनाते हैं। ये हमने उनको अपनी साइड लेके आए और फिर हमने इसने स्लिप करना है, फिर से हम उनको उधर की साइड ले जाएंगे, 1 फंदा हमने बनाना है, फिर से यही उनको ला के और इस फंदे को स्लिप करना है रेड कलर के, और वाइट कलर के ऊन से हमें बनाना है। देखिए जो हम राइट साइड से सिलाई बनाते हैं जिस कलर से उसी कलर से बनाना होता है, और उसी तरह जिस तरह हमने राइट साइड से बनाई बैक साइड से भी हमें बनाना होता है। राइट इससे पीछे से हमें सॉरी धागे को अगली तरफ कुछ तपेना होता है, और ये हमारी 4 सिलाई है।
देखिए ये हमारी और फोर सिलाई कंप्लीट हुई। आपको जिस कलर में डिज़ाइन बनाना है आप बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। देखिए मैंने इस तरह का डिज़ाइन दूसरी तरीके से बना के डाल रखा है। देखिए ये अब हमारे यहाँ पर वन टू और एक ही थ्री फंदे हमारे रेड कलर के बन गए शुरू में। ये शुरू से ही हमें देख लेना है और उसके बाद ठीक बनता चला जाता है। चेन एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे और देखिए ये थ्री और टू फाइव फंदे हमें रेड कलर के बनाने हैं और ये पांचवी फाइव रो है हमारी। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बन गए। फिर से हम वन फंदा स्लिप करेंगे और पांच फंदे वाइट स्लिप करना है और रेड पांच फंदे फाइव फंदे रेड कलर के बनाने हैं। ये पांच फंदे बना लिए हमने और वन फंदा व्हाइट कलर का स्लिप करना है। फिर से हमें पांच फंदे बनाने हैं फाइव वन टू थ्री फोर और ये फाइव, ये सॉरी इसे बनाना है इस तरह। ये फाइव फंदे हमने बना लिए, वन फंदा स्लिप कर लिया, फिर से फाइव फंदे बनाने हैं। फिर एक फंदा स्लिप करना है और हमारे टू फंदे बचे हैं, इन्हें भी हमें रेड कलर से बनाना है। ये हमारी पांच सिलाई कंप्लीट होगी। देखिए इस तरह डिज़ाइन बन के आएगा। और अब हम छठी सिलाई सिक्स सिलाई पीछे से मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगी। सॉरी इसे इसी तरह बनाना होता है जिस तरह हम सीधी तरफ मतलब राइट साइड से बनाते हैं। ये हमने इस तरह बनाया, फिर उन अपनी साइड लाए, वाइट कलर का फंदा स्लिप किया और फिर से हम रेड कलर के फंदों को रेड कलर की ही उनसे देखिए इसी तरह हमने बनाना है। पूरी सिलाई हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है और इस फंदे को स्लिप करना है। देखिए ये हमारी सिक्स तो कंप्लीट हो गई और अब ये हमारी सेवन रो है। देखिए वन फंदा हम स्लिप कर लेंगे और देखिए वन फंदा स्लिप कर लेंगे और ये थ्री फंदे वाइट कलर से बनाएंगे। वन टू और थ्री, देखिए ये तीन फंदे हमने वाइट कलर से बना दिए। वन फंदा स्लिप करेंगे, वन फंदा बनाएंगे, वन फंदा स्लिप करेंगे और थ्री फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे। वन फंदा स्लिप करेंगे, वन फंदा बनाएंगे, वन फंदा स्लिप करेंगे और थ्री फंदे वाइट कलर से बनाएंगे। ये हमारी सेवन रो है। देखिए सॉरी देखिए ये थ्री फंदे हमने वाइट कलर से बनाने हैं और वन फंदे को हमें स्लिप करना है। वन फंदे को वाइट कलर का बनाना है, फिर वन फंदा स्लिप करना है, फिर थ्री फंदे वाइट कलर से बनाने हैं, वन फंदा स्लिप करना है और वन फंदे को हमें ये वन फंदा बचा हमारे बाद में उसी तरह हमने बनाना है। ये हमारा डिज़ाइन इस तरह बन के आएगा। पिछली रो ये सेवन रो थी हमारी और पिछली रो हम
हर बार की तरह ही बनाएंगे। पहला फंदा ये हमें इस तरह बना, पहला फंदा हमें इस तरह बनाना है, फिर धागा अपनी सिलाई लाना है। ये 8 रो है और हमें इसे इस तरह बनाना है। ये वाइट कलर के फंदे वाइट कलर से ही बनाने हैं और रेड कलर के फंदे स्लिप करने हैं। देखिए मैं आपको इसे बना के दिखाते हैं। देखिए मैंने ये सिलाई कंप्लीट कर ली और ये 9 सिलाई है। देखिए ये फंदा हम रेड कलर से बनाएंगे। अब की बार रेड कलर से बना लिया, वाइट कलर को स्लिप कर लिया। देखिए फिर से हम यहाँ पर 5 फंदे रेड कलर के बनाएंगे। देखिए हर बार इस डिज़ाइन को इसी तरह बनाना है। हम आपको 10 सिलाई दिखा देंगे, वैसे ही हमारी 9 सिलाई है और ये डिज़ाइन इधर की साइड को बनता हुआ चला जाएगा। ये हमने इस तरह स्किप कर लिया उसे। फिर से हम 5 फंदे रेड कलर के बनाएंगे। ये डिज़ाइन कुछ इस तरह बनता हुआ चला जाएगा। ये फंदा हम इस तरह स्किप कर लेंगे। फिर से हम 5 फंदे 5 फंदे रेड कलर के बनाएंगे। वन फंदा स्लिप करेंगे वाइट कलर का। ये 9 सिलाई मतलब 9वीं सिलाई है हमारी। फिर फंदा स्लिप करेंगे, फिर से रेड कलर के 5 फंदे बनाएंगे। ये देखिए ये मैंने 10 सिलाई कंप्लीट कर दी है। इस तरह मेरा डिज़ाइन बन जाएगा। और पीछे की रो हमने आपको दिखा रखी है, वो 10 रो है। हम इसे आपको बड़ा करके दिखाएंगे, बस उसमें यही ध्यान रखना है। इस तरह आपके 5 फंदे आए। देखिए ये फंदे दो हमारे शुरू के समय ही डिज़ाइन देखा है। हम अब की बार वाइट कलर आएगा 11 सिलाई में। 2 फंदे वाइट कलर के, 1 फंदा रेड कलर का 11 सिलाई में, फिर 1 फंदा वाइट कलर का, फिर रेड फंदा, ये जो हमें स्लिप करना है, और ये 3 फंदे हमें वाइट कलर के बनाने हैं। ये 11 सिलाई है। इसी तरह ये डिज़ाइन बनता हुआ चला जाएगा इधर की साइड से इधर की साइड को। हम इसे आपको बड़ा करके दिखाएंगे। देखिए ये हमने पूरी 10 सिलाई कंप्लीट कर दी है रो, और ये इसी तरह बनना है। अब की बार 11 सिलाई में वाइट कलर के बनाएंगे ये 2 फंदे, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा वाइट कलर का बनाएंगे, रेड कलर का फंदा स्लिप करेंगे, और ये जो 3 फंदे हमारे इस तरह हम इस तरह वाइट कलर के बनाएंगे। इसी तरह इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। आप जो चाहे जिस तरह में डाल सकते हैं, हम इसे आपको बड़ा करके दिखाएंगे। देखिए ये डिज़ाइन हमने यहाँ तक बना दिया है, और ये बैक साइड से इस तरह लगता है, पिछली साइड से और राइट साइड से इस तरह दिख रहा है। और देखिए अब की बार हम यहाँ पर 3 फंदे वाइट कलर के बनाएंगे वाइट कलर के धागे से बनाना है, और रेड कलर का फंदा हम इसी तरह स्लिप कर लेंगे। उसके बाद हम 1 फंदा रेड कलर का उतारेंगे और 1 फंदा वाइट कलर का बनाएंगे, फिर 1 फंदा रेड कलर का इस तरह ही स्लिप कर लेंगे, और 3 फंदे वाइट कलर के बनाएंगे। इसी तरह ये डिज़ाइन ऊपर तक बनता चला जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो
सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे डिज़ाइन कैसे लगा। थैंक यू।